दोस्तों, इन दिनों देश भर में सियासी सरगर्मियां जोरों पर है। कभी भी लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। ऐसे में सभी पार्टियां चुनाव की तैयारी में जुट गई है। इसी बीच एक बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि यूपी में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने लोकसभा चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है, जिससे विपक्षी पार्टियों में खलबली सी मच गई है। इसकी जानकारी खुद पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद आसिम वकार ने एक वीडियो जारी कर दी है। वकार ने कहा कि हमारी पार्टी यूपी के 7 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है, जिनमें बदायूं, संभल, अमरोहा, मेरठ, फिरोजाबाद, आजमगढ़ और मुरादाबाद लोकसभा सीट शामिल है। इसके अलावा MIM प्रवक्ता आसिफ वकार ने कहा कि हमारी बातचीत जारी है और हो सकता है कि हमारे सीटों में इजाफा हो, यानी कि हम और भी सीटों पर चुनाव लड़े। वकार ने कहा कि इंडिया गठबंधन हमारे पार्टी के साथ सौतेलेपन का व्यवहार कर रही है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ नफरत की पराकाष्ठा पार कर रही है। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी MIM यूपी के जिन लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है, वे सभी सीट मुस्लिम बहुल सीट है। इन सीटों पर मुस्लिम मतदाता ही हार और जीत तय करने में अहम भूमिका निभाते हैं। यही वजह है कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM यूपी के इन लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। खैर दोस्तों, अब तो आने वाले चुनाव में ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि यूपी में असदुद्दीन ओवैसी अपनी सियासी पतंग उड़ा पाते हैं या नहीं। बाकी दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ऑल के बटन को जरूर दबाएं, ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।